पर कुछ अंडे और आलू बॉईल कर लिया है, और इसको मैं अंडों को मैंने इस तरीके से हल्का सा कट दिया है ताकि इसके अंदर जो हम मसाला भूनेंगे वो अंदर चला जाए अच्छे से। इन अंडों और आलूओं को हम फ्राई करेंगे, तो इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा हल्दी और नमक, इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इन सबको फ्राई करेंगे। हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हैं जो हमने अंडे रखे थे वो। ये हमें बस थोड़ा सुनहरा होने तक फ्राई करना है। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, हम इसे निकाल सकते हैं। अब उसी तेल में हम डालेंगे थोड़ी मिर्ची, बारीक कटे हुए मिर्ची। थोड़े से प्याज, ये देखिए प्याज भून गए हैं अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे हमारे मसाले। तो मैं ये पेस्ट डालने वाली हूँ जिसमें कि जीरा, गोलकी, अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। तो ये मैं प्याज में भूनूंगी। थोड़ा सा हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गोलकी पाउडर देकर मिक्स करूंगी। डालूंगी कटे हुए टमाटर, नमक, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि ये अच्छे से लो फ्लेम पे पक जाए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाले अच्छे से भून जाए। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है। हम इसमें डाल देंगे जो हमने अंडा फ्राई किया था वो, और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसको ढक देंगे, इसे थोड़े टाइम के लिए पकने देंगे। अभी मैं इसमें डालूंगी धनिया पत्ता, और ये एग करी बनकर रेडी हो चुकी है।